तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत में एक न्यू सिम कार्ड लॉन्च होने वाला है। जैसे कि आप एयरटेल, जियो और वीआई को जानते हैं, लेकिन एक न्यू सिम कार्ड आपका जो है 5G लॉन्च होने वाला है, जो गौतम अडानी जी ने स्वयं लॉन्च करेंगे, यानी ये भी हिस्सेदारी लेंगे। तो अडानी जी कौन सी हिस्सेदारी लेंगे और क्या इनका सिम कार्ड रियली में आपके सामने आएगा, आएगा तो क्या ये अपने पर्सनल यूज के लिए सिम कार्ड में हिस्सेदारी ले रहे हैं 5G में, या ये सभी के लिए अपना सिम कार्ड लॉन्च करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया के सबसे छठे अमीर में से एक कहे जाते हैं, जो बहुत ही पैसे वाले आदमी हैं, जो ये लॉन्च यदि करेंगे तो आपको बहुत ही सस्ता रिचार्ज प्लान दे सकते हैं। लेकिन इनका कहना कुछ और है, जो मैं आपको लाइव प्रूफ मोबाइल में पढ़कर सुनाता हूं, तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को आपको देखने के बाद पता लग जाएगा कि क्या 5G भारत में लॉन्च होगा या किन के होश उड़ेंगे। यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं, जियो एयरटेल की टेंशन खत्म। असली में है अडानी का 5G प्लान, यानी अडानी जो 5G प्लान लॉन्च करेंगे क्या है। दोस्तों अडानी ग्रुप के 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में हिस्सा लेने की खबर को मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और सुनील भारती मित्तल के एयरटेल के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। लेकिन अब कंपनी 5G का प्लान बाहर आने के बाद इन दोनों कंपनियों की टेंशन खत्म हो गई है। क्या बाहर आया दोस्तों, क्या 5G इंडिया में लॉन्च करेगी अडानी कंपनी, यानी यदि ये लॉन्च करेगा तो आप समझ सकते हैं कितने अमीर ये आदमी हैं। तो इतने अमीर आदमी हैं तो क्या होगा इन सब कंपनियों का यदि ये आ जाते हैं बाहर। लेकिन इनका कहना ही कुछ और है और एक कंपनी खुश हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ क्या अडानी का प्लान, हम आपको अडानी का प्लान बता रहे हैं। उद्योगपति गौतम अडानी के अडानी ग्रुप ने जल्द ही होने वाली 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अप्लाई किया है। तब से यही माना जा रहा है कि कंपनी के टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री करने से जियो और एयरटेल की दिक्कत बढ़ जाएगी। लेकिन जब कंपनी 5G प्लान सामने आया तब इन दोनों कंपनियों की टेंशन जो है खत्म हो गई। अडानी 5G का प्लान क्या है, जो मैं आपको पढ़कर दिखाता हूँ, तो ध्यान से आप सुनिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ अडानी का 5G प्लान। अडानी ग्रुप ने साफ किया है कि वो कस्टमर्स को 5G सर्विस देने नहीं जा रही, यानी कस्टमर जो है उनको 5G सर्विस नहीं देगी, बल्कि उसे 5G स्पेक्ट्रम अपने कारोबार के लिए चाहिए, इसलिए उसके इस बार की बिड प्रोसेस में हिस्सा लिया है। कंपनी को अपने एयरपोर्ट और पर साइबर सिक्योरिटी, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन फैक्ट्री, रिटेल से लेटर डेटा सेंटर तक और सुपर एप्स के लिए हाई क्वालिटी का स्पीड वाला इंटरनेट चाहिए। इसलिए कंपनी अपना स्वयं जो है लॉन्च कर रही है, अपने के लिए एडनेट 5G लॉन्च करेगी, ना कि कस्टमर्स के लिए। यदि यही बहुत बड़ी चुनौती थी जो बहुत दिक्कत कर रही थी, जियो एयरटेल का होश उड़ गया था कि एक कंपनी यदि अपने कस्टमर्स के लिए 5G लॉन्च करेगी भारत में तो हमारा तो लुटिया डूब ही जाएगा। लेकिन एक कंपनी साफ करिए कि अपने केवल बिजनेस के लिए 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में अपना हिस्सेदारी करेगी 26 जुलाई को होगी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। तो यहाँ पे साफ कंपनी जो है बता दी है, इसलिए इन दोनों कंपनियों की खुशी जो है बाहर आ गई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।